नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। जिस तरह से पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, उसे देखकर यह बात साफ होते जा रही है कि 2024 को लेकर के चुनावों की क्या रणनीति होने वाली है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है, तो अब विपक्षी एकता को लेकर के भी हर एक बात पर कोई ना कोई बड़ा अपडेट देखने को जरूर मिल रहा है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता का खेल खेला गया और अजित पवार ने अपने चाचा के पार्टी को धोखा देके उनके विधायकों को चुरा करके अपने आप को अलग कर लिया और कुल मिला करके एक नई बगावत की श्रृंखला की शुरुआत कर दी। इसके अलावा अगर बात करें अब तो महाराष्ट्र की राजनीति के बाद बिहार में भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है विपक्षी एकता को, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी एकता के बारे में लगातार नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और शरद पवार आदि तमाम पार्टियां मिलकर के कांग्रेस के साथ यह कर रही थी कि आने वाले समय में वे विपक्ष में बहुत ही मजबूत सरकार बनाने वाली है, मोदी सरकार के खिलाफ उनकी रणनीति बहुत ही अहम होने वाली है, इन सभी बातों को फिलहाल जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि एक तरफ बिहार में अब CBI के द्वारा जमीन के बदले नौकरी के मामले में नोटिस जारी किया गया है और इसमें नीतीश कुमार की सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे भी हैं, जी हाँ, तेजस्वी यादव इस पूरे के पूरे मामले में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव एक लंबे समय से कह रहे थे कि जिस वक्त यह घोटाला हुआ भी था, पहली बात तो तेजस्वी यादव ने शुरुआत में यह कहा था कि उनका इस घोटाले में कोई हाथ नहीं है, कोई मामला नहीं है और ना ही उनके परिवार का कोई मामला है इस पूरे मामले में। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब यह मामला या घोटाला हुआ भी था तो उस वक्त मेरी मूछें भी नहीं आई हुई थी, यानी कि वे नाबालिग थे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नई चार्जशीट दाखिल की गई है और इस चार्जशीट के अंदर, या कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं है बल्कि एक फ्रेश चार्जशीट है जिसके अंदर उनके नाम को, उन्हें भी जो है इस मामले से जोड़ करके उनका नाम शामिल किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर विपक्ष के एक प्रमुख नेता के, वही कि एक प्रमुख दल के उप मुख्यमंत्री की पदवी चली जाती है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला होता है। जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार विपक्ष की मजबूत प्रधानमंत्री बनने के दावे पेश कर रहे थे, लेकिन अभी यह बात कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देख लिया कि किस प्रकार से ये सारी बातें हुई थी। खैर, वहीं अगर बात कर भी बिहार की तो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो शंका के बादल जो मंडरा रहे हैं वो तेजस्वी यादव के ऊपर इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो उनका आवासीय मकान है, जो कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में है, यह पॉश इलाके में उनका जो मकान है उसके ऊपर बादल घिरते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी कीमत 150 करोड़ की है, उस बहुत ही रिहायशी इलाके के बंगले को लेकर के सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है। इसके अलावा 17 अन्य आरोपियों को भी जो है इसमें लिस्ट में नाम शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के बिहार की सरकार, साथ ही लालू परिवार और इसके साथ ही अन्य तमाम गठबंधन के सरकार और नेता और साथी दल हड़कंप में है कि अब आने वाले समय में भाजपा की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की क्या बड़े खुलासे होने वाले हैं, उनकी क्या चालें होने वाली हैं या उनके ऊपर किस प्रकार से सियासत का एक नया दांव खेला जाएगा जिसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ शामिल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।